हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मारुति बलेनो की अब टेस्टिंग लगभग फाइनल फेज में चल ही रही है, और जैसे कि ये बात में अब कंफर्म भी हो जाती है क्योंकि अब कुछ ऐसी पिक्चर सामने आई है जहां पर इसे बिना इसके जो इसे बिना कैमोफ्लोज के देखा गया है, यानी कि इसे बिना कवर या फिर बिना ढके हुए से फाइनली देखा गया है, जहाँ पर इसकी कुछ इमेज भी ऑनलाइन लीक हुई है, जहाँ पर इसका फ्रंट और रियर क्लियरली दिखाई दे रहा है जो कि इसका डिज़ाइन फ्रंट से और रियर से दिखने में कैसा होगा। सो देखिए दोस्तों, जहाँ पर इसके फ्रंट की डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसका फ्रंट डिज़ाइन देखिए काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है। जहां पर इसमें आपको जो इसका फ्रंट रहने वाला है वो ये अगर इसको कंपेयर करें पिछले वाले मॉडल से, तो इसका फ्रंट जो है वो आपको देखने में थोड़ा सा चौड़ा लगने वाला है अगर इसे पिछले वाले मॉडल से कंपेयर किया जाए तो। इसके अलावा जो इस इमेजेस में आप ये मॉडल देख रहे हो, मेरे ख्याल से ये इसका बेस वेरियंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इसमें जो फोग लैम्प है, यहाँ पर इसमें आपको कोई फोग लैम्प मतलब जो फोग लैम्प हाउसिंग है वहाँ पर आपको कोई फोग लैम्प ऑफर नहीं किया गया है। और अगर जो मेरे ख्याल से जो इसका जो टॉप मॉडल होगा उसमें आपको जरूर यहाँ पर इसमें आपको फोग लैम्प की हाउसिंग यहाँ पर आपको फोग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए इसके टेल लैम्प्स के इसके सॉरी हेडलैम्प्स के डिज़ाइन की, तो देखिए जो यहाँ पर हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं ना, वो इसमें आपको थोड़े से मतलब इसकी जो शेप तो वैसी ही रखी जाएगी, लेकिन इसको इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इसे इसमें इसे दोबारा अपडेट कर दिया जाएगा और इसमें आपको एल शेप के एलईडी डियल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात की जाए इसके ग्रिल की, तो देखिए इसकी ग्रिल में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं और थोड़ा सा इस ग्रिल को चौड़ा कर दिया गया है। सो ओवरऑल अगर फ्रंट की बात की जाए तो उसका जो फ्रंट डिज़ाइन रहने वाला है वो आपको एकदम नया फ्रंट डिज़ाइन इसमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर देखिए बात करें इसके साइड इमेजेस की, तो देखिए अभी तक इसकी वैसे साइड इमेजेस सामने साइड इमेजेस है जो उसकी साइड साइड की जो इमेजेस है वो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन अगर बात करें इसके साइड के डिज़ाइन की, तो देखिए इसमें आपको कोई ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलने वाला क्योंकि इसमें आपको सिर्फ जो मेजर चेंज वो देखने को मिलेगा वो इसमें आपको एलोवेस का देखने को मिलेगा जो कि हमने टेस्टिंग के दौरान भी देखा था। अब देखिए आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल पर, तो देखिए इसके रियर प्रोफाइल में इसका सबसे बड़ा चेंज जो रहने वाला है उसकी टेल लैंप्स के डिज़ाइन को लेकर किया जाएगा, जहां पर इसमें आपको एक नए डिज़ाइन के टेल लैंप्स देखने को मिलने वाले हैं। और जो इसके जो टेल लैंप्स का डिज़ाइन रहने वाला है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर से अगर समझना चाहे कि ये कैसा होगा, तो देखिए ये इसके जो टेल लैंप्स का डिज़ाइन है ना, सेम वैसा ही रखा गया है जैसे कि आपको होंडा के WRV में देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके अलावा इसके जो बम्पर है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, उसमें थोड़े से कर्व और क्रीजेस थोड़े इसमें और ऐड कर दिए गए हैं। सो अगर बात करें इसके ओवरऑल फ्रंट और रियर लुक की, तो देखिए पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे इसका फ्रंट और रियर लुक ठीक ठाक ही लगा। अगर वैसे तो इमेजेस में देखिए रियल में काफ़ी फ़र्क होता है, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो मारुति सिलेरियो की जो बनाई थी, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उसको मिसमिस को मारुति बलेनो मतलब सिलेनो सिलेरियो अच्छी नहीं लग रही, ये है वो है, लेकिन अगर जब मैंने उसे रियल लाइफ में देखा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मतलब मुझे लगे क्योंकि रियल लाइफ में देखने में काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। सो इसी तरह अगर आप इसे रियल लाइफ में देखोगे तो मेरे ख्याल से तो इसमें डिज़ाइन भी आपको डेफिनेटली इसका जो डिज़ाइन है ये पसंद आने वाला है। और अगर इसको इमेजेस के हिसाब से देखोगे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा ऐसा करना कि आप एक इमेज को देख के कह दो कि इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो फाइनली जब इसके मतलब अच्छी सी इमेजेस सामने आ जाएंगी ना, तब इसको कंपेयर किया तब इसे कंपेयर किया जा सकता है कि हाँ भाई ये ऐसी है ये वैसी है। लेकिन अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे इसका डिज़ाइन फ्रंट से और रियर से काफ़ी ठीक लगा। सो दोस्तों, आपको कैसा लगा इसका फ्रंट और रियर डिज़ाइन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगर बात करें इसके इंटीरियर्स की, तो देखिए वैसे इसके इंटीरियर्स की क्लियरली इमेजेस सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो इसके टेस्टिंग के दौरान देखी गई है उसमें इसके इंटीरियर्स भी देखे गए हैं, जहाँ पर इसमें आपको एक फ्लोटिंग टाइप का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसमें आपको नए डैशबोर्ड टाइप का इसमें एकदम नया डैशबोर्ड इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। और एक इसमें आपको जैसे कि स्विफ्ट में आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, वैसे ही स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पर ऑफर कर दिया जाएगा और काफ़ी सारे फीचर्स को इसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, फिलहाल तो मारुति बलेनो के में इसमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन सामने आ पाई है। जहां तक बात है इंजन की, तो देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको मारुति बलेनो का डिज़ाइन फ्रंट से और रियर से आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव सेफ़।